जिसमें सीपीयू रिवॉल्व किया हुआ, यूएफएस रिवॉल्व किया हुआ था, हो सकता है फ्लैश निकाल के फ्लैश किए, ऑलरेडी इसके ऊपर किसी ने काम किया हुआ था, मार्केट में काम हो रहा है, आपके सामने लाइव करके दिखाया कि किस तरह से इसको ऑन कर सकते, किस तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते। और यही जो प्रोसेस होती है सिखाने वाली मार्केट में, यही चीज का कम से कम 40,000 से 50,000 रुपए फीस लेते हैं सिखाने का। लेकिन फोनफिक्स हैदराबाद और फोनफिक्स दिल्ली आपके लिए लेकर आया है सिर्फ 25,000 रुपए में कोर्स, जिसमें आपको पूरा कोर्स 20 दिन का होगा, फ्लैशिंग यूएफएस ट्रेनिंग, इमिंसी और हार्डवेयर का भी पूरा टोटल हैंड स्किल आपको डबल टिकर, मतलब टोटल 25,000 में आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं मिलेगा, साथ में हैंड स्किल की नॉलेज, डायग्राम की नॉलेज और आपको पूरा यूएफएस। तो फ्रेंड्स, आज हमने एक आपके लिए वीडियो लेकर आए और एक सॉल्यूशन भी है जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। Redmi Note 10 में फास्ट बूट मोड का प्रॉब्लम आता है, तो सबसे ज्यादा मार्केट में यही मुझे देखने मिल रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, सर ये फोन जो फास्ट बूट मोड का प्रॉब्लम आ रहा है, सर इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन बनाओ। तो बहुत सारे YouTube पे वीडियो भी है ऑलरेडी इसके कि कोई फास्ट बूट मोड की जो फाइल होती है उससे वो फिक्स करते हैं और उससे वो फ्लैश कर लेते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं कि मार्केट में जो फ्लैश कर रहे हैं लेकिन फ्लैश नहीं हो रहा है। मतलब आपका जो UMD फ्लैश करता है लोडर लेकर, उसके अंदर रो प्रोग्राम 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से पार्टीशन होते हैं, और जब आप फ्लैशिंग करते हो तो रो प्रोग्राम 3 पर ही फेल हो जाता है। बहुत बार मैंने ऐसे देखा फ्लैशिंग करने के टाइम, जो कि वो रो प्रोग्राम 3 पे ही फेल हो जाएगा, चाहे वो आप UMD से फ्लैश करो या अनलॉक टूल से करो, किसी से भी आप अगर फ्लैश करोगे आपको वहां पर वो फेल हो जाएगा। और उसके बाद में जो कि आप उसको फ्लैश नहीं कर पाते, आप ऑनलाइन वाले सर्वर को फिर आपको फ्लैश करना पड़ता है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट होती है, और ऑनलाइन में भी अगर आप पैसा दोगे तो भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब भी आपको पैसे लगेंगे। तो ये सारा चीज जो है बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो हम क्या करेंगे, आज जो भी काम है हम UFS को निकाल के ही प्रोग्रामिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है हम USB से रिलेटेड वाला काम नहीं करेंगे, जो कि फाइल लगाकर ये करना है वो करना जो भी है, हम सारा काम यहाँ पर UFS निकाल कर ही करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा UFS कैसे प्रोग्रामिंग किया जाएगा। हम आज देखेंगे मीपी टेस्टर बॉक्स से, मतलब मीपी टेस्टर जो कि आपका UFS बॉक्स है, और इसमें आप कोई भी बॉक्स से भी कर सकते हो, जेटैक से भी कर सकते हो, मेडुसा से भी कर सकते हो और मीपी से भी कर सकते हो। मैं मीपी से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें फास्ट होती है फ्लैशिंग, और अगर आप मेडुसा से या इजेटैक से करोगे तो थोड़ा सा स्पीड ज्यादा मतलब कम होगा और आपको प्रोग्रामिंग में लगभग 1 घंटे के करीब लग जाएगा। ये मीपी जो टेस्टर होता है, जो कि हमारा ये वाला जो बॉक्स होता है, ये वाला बॉक्स आपको 15 मिनट के अंदर सारा प्रोग्रामिंग करवा देगा, 10 मिनट बहुत हो जाएंगे, फ्लैशिंग भी हो जाएगा, डम्ब रेड एंड राइड भी हो जाएगा और हमारा फ्लैशिंग भी कर देगा। तो इतने कम टाइम में ये काम हम इससे करेंगे। तो ये फोन है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा, ये देखो, ये नोट 10 का जो मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली फोन है। जैसे कि मैं इसको ऑन करता हूं, ऑन करते ही ये आपका फर्स्ट लोगो आएगा और सेकेंड इसके बाद ये फास्ट बूट मोड में चला जाएगा, देख सकते हैं। अभी वेट करिए, शायद बैटरी डाउन हो गया, एक बार फिर से मैं बूट कर लेता हूं। तो देख सकते हैं डायरेक्टली ये फास्ट बूट मोड में चला जा रहा है, आप कुछ भी कर लो ये ऑन हो जाएगा और सीधा फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। आप कोई भी फाइल से फ्लैश कर दो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसको सॉल्व कैसे करना है इस वीडियो में आप पूरा देख लेना, वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो कोई ना कोई स्टेप आपसे जो है मिस हो जाएगा, आप उसको कर नहीं पाओगे। तो वीडियो में बनी रही है, मैं आपको पूरा लाइव बना के दिखाऊंगा UFS निकाल के अडप्टर में कनेक्ट करके मीपी टेस्टर से प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, यहां पर कहां से कैसे करेंगे, सारा आपको इस वीडियो में देखने मिल जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलो सबसे पहले मैं इस बोर्ड को बाहर निकाल के सबसे पहले इसका UFS निकालूंगा। ऑलरेडी इसके ऊपर किसी ने काम किया, अगर आप देख सकते हो ऑलरेडी किसी ने शील्ड निकाला हुआ है और इसके ऊपर CPU पे और UFS पे ऑलरेडी रिवॉल्व करके काम कर चुका है। बहुत सारे बोलते सर ये रिवॉल्विंग हो जाएगा, CPU रिवॉल्व कर दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, UFS रिवॉल्व कर दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप यहां देख सकते हैं ऑलरेडी इसका पेस्टेट निकला हुआ है, सारा कुछ निकला हुआ है, रिवॉल्व कर चुके हैं लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। इसके अंदर फ्लैशिंग भी कर चुके हैं लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो हम आपके सामने लाइव इसके अंदर मैं प्रोग्रामिंग करूंगा, तो कैसे करना है सारा कुछ इस वीडियो में आप बने रहिए। तो चलो हम आगे वीडियो बनाते हैं।
जैसे कि देख सकते हैं हमारी यहाँ पर यूएफएस है, ये सीपीयू हमारा और ये यूएफएस है, सैमसंग की लगी हुई है। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि आप यहाँ पर पूरा ब्लैक पेस्टेड इसका काम किया हुआ, किसी ने इसको दोनों भी रिकॉल करके लगा चुका है। तो यहाँ पर इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ रिकॉलिंग में, तो उसके बाद हम इसको काम करेंगे। सबसे पहले हम इसकी यूएफएस को रिमूव करेंगे और इसके बाद इसको हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिए कि कैसे हम इसको पूरा रिप्रोग्रामिंग कैसे करते हैं यूएफएस को। ये ऑलरेडी ब्लैक पेस्ट इसका निकला हुआ है, तो हम इसको डायरेक्टली रिमूव कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहां पर इजीली इसका यूएफएस रिमूव हो गया है और प्रॉपर रिबॉलिंग में है सारा कुछ। बॉल सही है, कुछ डैमेज नहीं है, कोई ट्रैक डैमेज नहीं है, सारा कुछ सही है। लेकिन बस इसमें एक दिक्कत यह आ रही होगी कि ये फ्लैशिंग सही नहीं हो रहा है, इसके लिए फास्ट बोर्ड मोड में चला जा रहा है। तो इसी के लिए हम पूरा वीडियो इसमें आपको बता रहे सॉल्यूशन कि क्या हम इसको नेक्स्ट क्या करेंगे। तो चलो हमने यूएफएस को अच्छे से निकाल लिया है। सबसे पहले इसका जो यूएफएस है उसको हम पेस्ट जो होता है उसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लगाओगे तो उसमें कनेक्ट होने के बॉल जो आपको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो सही उसको पहले थिनर से अच्छे से क्लीन कर लेंगे और उसके बाद हम उसको बॉक्स में कनेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहां पर इसकी एकदम क्लीन अच्छे से कर ली है बॉल अच्छे से, और इसको वीपी टेस्टर में हम सबसे पहले कनेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वीपी टेस्टर कनेक्ट करते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पर वीपी टेस्टर कनेक्टेड है ऑलरेडी। और सबसे टेस्टर यहाँ पर सेटअप ओपन है वीपी टेस्टर कनेक्टेड है ऑलरेडी। और सबसे पहले हम यहाँ पर सेटअप ओपन कर लेंगे वीपी टेस्टर का। तो 2.22 वर्जन अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वीपी टेस्टर के अंदर। तो जैसे कि यहां पर वीपी टेस्टर कनेक्टेड बता रहा है, उसके बाद आपको यहां सेटिंग्स होती है यूएफएस 2.x, यूएफएस 3.x, एनएमसी कनेक्ट कर रहे हो आप जो भी कनेक्ट करोगे उसके अंदर आपको उसको पहले प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ये कनेक्ट बटन जो है हाईलाइट होगा। अभी जैसे कि आप ये देख सकते हो ये डिसेबल मोड में, तो आपका यूएफएस 2.2 है या 3.3 है आपको सबसे पहले चेक करना होगा। तो कोई भी अगर आप चेक करना नहीं जानते तो सीधा सीधा 3.2 में ही ले लो, जो भी आपका होगा 2.2 होगा तब भी 3.2 में ही कनेक्ट हो जाएगा। मेरा ये 2.2 वाला यूएफएस है तो मैं फिर भी 3.2 में ही काम करूंगा इस पे। उसके बाद यहाँ पर जो गेयर सेटिंग होते हैं इसको हम ऐसे रखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। रीड एंड्रॉइड इन्फो पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले हमारे ये यूएफएस को कनेक्ट कर देते हैं बॉक्स में। तो ये नोज कट पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा आपका बॉक्स में। तो हमने यहां पर कनेक्ट कर लिए और उसके बाद हम यहां पर कनेक्ट आईसी पे क्लिक करेंगे। तो वेट करते हैं हमारे यहां पर आईसी कनेक्ट ऑन होने तक। उसके बाद हम इसको पहले सिक्योरिटी रीड कर लेंगे, उसके बाद इसको पूरा इरेज कर लेंगे यूएफएस को, और उसके बाद हम इसको फ्लैश कर लेंगे। एक बार ठीक से कनेक्ट कर लेंगे, हो सकता है ये बॉक्स में कनेक्ट हो नहीं रहा है। तो जैसे ये देख सकते हैं हमारा कनेक्ट हो चुका है। अगर ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ, जैसे कि कनेक्ट टू आईसी फेल्ड लिखकर आ रहा था, तो एक बार फिर से अडैप्टर को ठीक से लगाओ। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है और वेट करते हैं पूरा यहाँ पर। जब तक आपको पार्टीशन शो नहीं करेगा जब तक आपको वेट करना है, आपने कोई भी टैब को छेना नहीं है, कहीं पर भी आपने यूज नहीं करना। देख सकते हैं अब यहाँ पर आपका पार्टीशन शो करा, अब आप यहाँ पर सारा चीज चेक कर सकते हैं।
आपके जो भी पार्टीशन है वो यहाँ पर देख सकते हैं, जो पिंक कलर के होते हैं वो आपके सिक्योरिटी होते हैं, तो हमें ये सारा सिक्योरिटी चाहिए। उससे पहले आप यहाँ देख सकते हो सैमसंग का यूफेस वर्जन 2.2 बूट ए से बूट हो रहा है, कैपेसिटी 64 GB का स्टोरेज है। यहाँ पर पार्ट नंबर होता है एमएनसी का, यूफेस का आरपीएम भी, और हमारी ओटीपी नॉट लॉक लिखकर आ रहा है, मतलब ये आपको आगे क्लास में यहाँ सारा कुछ बता देंगे कि ये सारा चीज डिटेल को कैसे समझना है। तो ज्वाइन करिए फोनफिक्स हैदराबाद और फोनफिक्स दिल्ली, हमारे दोनों ब्रांचेस है, आप दिल्ली में भी ज्वाइन कर सकते हैं और हैदराबाद में भी कर सकते हैं, जिसको जो नजदीक होता है वो वहां पर आ सकता है। तो हमारा जो नेक्स्ट मंथ में बैच है 10 अक्टूबर फोनफिक्स दिल्ली, तो वहां पर आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं, और अगर हैदराबाद आना चाहते हैं तो फोनफिक्स हैदराबाद में 27 अक्टूबर को नेक्स्ट बैच हमारा बुकिंग स्टार्ट है। तो जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करिए, क्योंकि अगर आपको ये नॉलेज सीखना है तो मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यूएफएस प्रोग्रामिंग सीखना है। अदरवाइज बहुत सारे मार्केट में ईएमसी तो कर रही है, लेकिन यूएफएस में सबसे ज्यादा बीमारी जो आ रही है कोई ना कोई फास्टफूड मोड का प्रॉब्लम, कोई ना कोई हैंग ऑन लोगो, कभी ना कभी आपका ऑटोपोर्ट बनाना है। तो ये सब चीजें अगर बनाना सीखना चाहते हो तो जल्द से जल्द अपनी फोनफिक्स हैदराबाद या फोनफिक्स दिल्ली को ज्वाइन करिए और सीट अपनी बुक करिए। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमें इसको फ्लैश करना है, तो फ्लैश करने से पहले इसका पहले बैकअप रीड करेंगे। तो बैकअप रीड हम पूरा लोन पार्टीशन नहीं रीड करेंगे, क्योंकि मैं इसको इंजीनियरिंग से फ्लैश करूंगा। तो मेरा जो सिक्योरिटी होता है वो लून 5 में होता है, तो मैं ओनली लून 5 को रीड करूंगा, पूरा इरेज कर दूंगा, उसके बाद फ्लैश करेंगे इंजीनियरिंग से, और जो लून 5 में सिक्योरिटी होता है वो हम उसको राइट करेंगे, उसके बाद हम आपको पूरा ऑन करके दिखाते हैं सारा प्रोसेस। तो पूरा वीडियो बने रहना। तो सबसे पहले सिर्फ मैं आपको यहां पर देखो लून 5 को टिक लगा दिया और यहां से मैं उसको रीड कर लूंगा। तो जैसे कि यहां पर ऑप्शन आ रहा है रीड करने का, एक मैं न्यू फोल्डर बना देता हूं रेडमी नोट 10 में, सेलेक्ट फोल्डर, और यहां पर देख सकते हैं यहां पर स्पीड ये हो भी गया आपका रीडिंग लून 5 डन। आप देख सकते हैं नीचे एकदम सबसे नीचे लिखकर आ रहा है रीड फिनिश, मतलब आपकी इतनी स्पीड है कि बहुत जल्दी रीड कर पाएगा। और ये बाकी बॉक्सेस में थोड़ा अलग बॉक्स है, आप ये काम जटेक से भी कर सकते हो, मेडुसा से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें स्पेशल जो होती है वो होती है स्पीड। और सबसे ज्यादा अभी यूएफएस में बड़े बड़े फाइल होने लगे, 5 GB 10 GB हो गए, और इनको अगर मुझे फ्लैश करना है तो कम से कम मुझे जटैक के अंदर 1 से 1.5 घंटा मुझे वेट करना पड़ेगा। तो इतना वेट करने के लिए आपको एक काम के पीछे देना पड़ेगा, लेकिन अगर यही काम अगर मैं बीपी टेस्टर से करता हूं तो मुझे 10 से 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट आपको बहुत हो जाएंगे, इतनी जल्दी ये वर्क करेगा यूएफएस के ऊपर। तो जो लेटेस्ट जिसके पास ज्यादा काम आता है मार्केट में बल्क में, तो वो मेपिटेशन से आराम से काम कर सकता है, डेली बेसिस पे वो कम से कम 10 फोन आराम से यूएफएस के बना सकता है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो, यही काम आप जटैक में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर आपने बीपीसी बता दिया सर जटैक में कैसे होगा, जटैक में भी कर सकते हैं ये प्रोसेस, लेकिन आपको फोनफिक्स को ज्वाइन करना होगा अगर सारा बॉक्सेस चलाना सीखना है, ठीक है। तो चलो यहां पर हमने तो बैकअप रीड कर लिए, अब इसको मैं सबसे पहले करूंगा फॉर्मेट, पूरी यूएफएस को फॉर्मेट करूंगा, उसके बाद फ्लैश करूंगा। तो फॉर्मेट करने के लिए सर्विस में आना होगा मुझे, ठीक है। उसके लिए पहले एक रीड डिस्क्रिप्टर भी रीड कर लेंगे, ये एक पार्टीशन को रीड करता है, मैं इसको भी सेव कर देता हूं, क्योंकि ये सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक फाइल के बारे में मैं बताऊंगा ये सारी चीजें होती क्या है, डिस्क्रिप्टर क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, फ्लैग क्या है, ये सारा यूएफएस के अंदर होता है, मैं आपको क्लास में बताऊंगा डीपली। चलो सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्टर में आ जाता हूं, और मेरे पास एक छोटी सी फाइल है जो यूएफएस को करती है पूरी ब्लैंक कर देती है, पूरा फॉर्मेट करती है, पूरा रिसेट कर लेती है, वो स्पेशल फाइल है, वो आप लोगों को मैं क्लास के अंदर दे दूंगा, अगर मेरे स्टूडेंट है तो मैं आपको ये फाइल फ्री में दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर वो फाइल को लोड कर लेता हूं, लोड में आ जाते हैं, मेरी फाइल डेस्कटॉप पे रखा हुआ है और यहां पर मेरे नाम से ये रखा हुआ है एस के टॉपिक नाम से, ओपन कर लेंगे। उसके बाद देखो यह बता रहा है कि ये फाइल में जो स्टोरेज है वो 64 GB का है और मेरी फाइल है 128 GB का है, तो ये एक्सीडेंट बता रहा है, मैं इसको एक बार इस पर क्लिक करके उसके बाद बाहर क्लिक कर देता हूं, उसके बाद फिर से क्लिक कर देता हूं, तो ये मेरा 64 GB बन गया। तो ये बहुत इजी है, मैं आपको एक पूरा ट्रिक बताऊंगा, इसको मैं करता हूं राइट। तो यहां पर देख सकते हैं राइट डिस्क्रिप्टर सक्सेसफुल, इसके बाद फिर से ये रिक्रिएट हो जाएगा और आप देख सकते हैं पूरा यहां पर यूएफएस पूरा रिसेट हो जाएगा। तो वेट करेंगे,
तो ये इस तरह से प्रोग्रामिंग सीखना, लोन पार्टीशन बनाना, कैसे पार्टीशन को क्रिएट करना है, कैसे सारे पार्टीशन को समझना है, क्वालकॉम में कैसे होगा, मीडियाटेक में कैसे होगा, सैमसंग अगर आ जाए तो ये कैसे बनाओगे, ये पूरा डीप नॉलेज ए टू जेड आपको मैं यहाँ पर पूरा यूएफएस सिखाऊंगा। बहुत सारे मार्केट में नहीं सिखा पाते क्योंकि समझ ही नहीं आता, क्योंकि ये ईएमएमसी से हटके है। आप जैसे समझ रहे हो कि ईएमएमसी जैसे आप काम करना, आपको ईएमएमसी के ऊपर काम करना आता है तो आप यूएफएस में भी कर पाओगे, नहीं ये इस तरह से नहीं होगा। पूरा प्रोग्रामिंग यूएफएस का अलग है और ईएमएमसी का अलग है, ठीक है। तो इसके लिए समझने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा, कहीं पर भी जाइए सीखिए, लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं यहां पर देख सकते हैं पूरा पार्टीशन मैंने यहां पर रिसेट कर लिया, कोई पार्टीशन यहां पर नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हैव नो पार्टीशन, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैंने जो इसकी जो फाइल रीड किया था डिस्क्रिप्टर, सबसे पहले मैं उसको राइट करूंगा, राइट डिस्क्रिप्टर में आ जाएंगे और जहां पर मैंने वो फाइल को सेव किया था Redmi Note 10 डंप न्यू फोल्डर में सेव किया था, ये हमारी फाइल, इसको मैं ओपन कर लेता हूं और ये राइट हो जाएगी, सीधा राइट हो जाएगी। और आप पार्टीशन देख लेना क्या बनेगा, आपके लोन पार्टीशन यहां पर 6 के 6 पार्टीशन आ जाएंगे। थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि आपको फुल प्रोसेस दे रहा हूं मैं, इसमें कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, कुछ भी हम हाइड नहीं करेंगे, सारा कुछ आपको देंगे। तो स्टार्टिंग से पूरा वीडियो देखिए, तभी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। अगर आपके पास चटैक या मीपी बॉक्स है तो ही आप ये कर पाओगे। चलो देख सकते हैं मैंने यहां पर लोन पार्टीशन बना लिया। सबसे पहले मैं इसको इंजीनियरिंग फ्लैश करूंगा, ये ऑलरेडी मैंने फाइल डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, डेस्कटॉप ही फोल्डर है, तो एक बार मैं दिखा देता हूं आपको फाइल्स। तो यहां देख सकते हैं मेरे पास ग्लोबल इमेज लेटेस्ट MIUI 14 फाइल है, यहां पर ENG टेस्टेड वाली फाइल है और यहां पर फास्टबूट वाली भी फाइल है, लेकिन फास्टबूट वाली से काम नहीं बनेगा, हम ये दो फाइल से ही काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर टेस्टेड वाली ENG रोम फ्लैश करता हूं, तो चलो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, बॉक्स ओपन कर लेंगे, फैक्ट्री में आ जाएंगे। आपको फ्लैश अगर करना है तो फैक्ट्री में आना है, उसके बाद आपने यहां पर सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा XML है, मीपी फाइल, स्कैटर फाइल, जार फाइल, OFP फाइल। तो हमारा XML रोपोग्राम 0 होता है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्लिक टू ओपन। अब आपकी जहां पर भी फाइलें डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर हमारी फाइल Redmi Note 10 ऊपर है, ठीक है। तो इसमें 3 फाइलें यहां हमारी सेंटर में इंजीनियरिंग रूम है, इसको हम ओपन कर लेंगे, इसको भी वहां से ओपन कर लेंगे और यहां से हम सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करें। तो देख सकते हैं यहां पर सारे रो प्रोग्राम के फाइल सिलेक्ट हो गए, मेरे पूरे फाइल आ गए। सिर्फ यहां पर सिंपल से फ्लैश बटन से आपको क्लिक कर लेना है और आपकी फ्लैशिंग देखो यहां पर स्टार्ट, और आप स्पीड देख सकते हो बहुत जबरदस्त स्पीड होती है, 100 Mbps तक जाता है, देख सकते हैं आप 97 Mbps तक चल रहा है और आपकी यहां पर एक एक करके फाइल राइट हो रही है। तो देख सकते हैं ये फाइल आपका राइट करेगा, ये स्पीड दिखाएगा, ये 2 मीटर आपको सामने दिखेंगे, एक आपकी स्पीड होगी और एक जो होगी ये फाइल राइट करने वाला परसेंटेज होगा। तो ये सारा काम कम से कम 2 मिनट के अंदर फ्लैश करेगा, इतनी इजी फ्लैश करेगा, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आपकी स्पीड कितनी, सारे फाइल एक एक करके राइट कर रहा है। यही काम आप जेटेक से करोगे तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, इसके लिए मैंने जेटेक से नहीं बताया कि टाइम, ये वीडियो थोड़ा और लंबा ना हो जाए, बाकी काम तो सेम तरीका ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा, करने के लिए सेम ही है। तो वेट करेंगे, ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो हमारी लास्ट फाइल राइट होने वाली है, वेट करते हैं। तो देख सकते हैं फ्लैश फिनिश, मतलब 2 मिनट के अंदर ही पूरा फ्लैश कंप्लीट हो गया। तो चलो इसको हम डिसकनेक्ट करेंगे और वापस से रिकनेक्ट करेंगे। अभी हमारा फ्लैशिंग तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमने जो सिक्योरिटी रीड किए थे फाइल लोन फाइल का पार्टीशन, अब उसको हम राइट करेंगे क्योंकि मुझे इसमें मेरा सिक्योरिटी वापस आ जाएगा, उसके बाद हम फोन में फिक्स करेंगे और आपको पूरा चेक करवाएंगे कि मेरा फोन ऑन फास्टबूट मोड में ही रहेगा या पूरा ऑन हो जाएगा, देखते हैं पूरा वीडियो में। तो देख सकते हैं मेरी पार्टीशन आना स्टार्ट हो गई है। वेट करेंगे जब तक यहां पार्टीशन नहीं आते, जैसे कि आ गए,
अब लून फाइल जो हमने रीड किए थे सिक्योरिटी के लिए जो हमारा था उसको हम वापस से राइट करेंगे यहां पर क्लिक टू ओपन फाइल और जहां पर भी मैंने फाइल को रखा हुआ है डेस्कटॉप आप एक फोल्डर जो बना के रखें रेडमी नोट 10 डाउन न्यू फोल्डर और यहां पर ये फोल्डर में लून फाइल आप देख सकते हैं ये हमारे लून फाइल है इसको ओपन कर लेंगे और ये आ चुका है बस सिंपली यहां से राइट पे क्लिक करेंगे ये 2-5 सेकंड के अंदर राइट कर दिया देखो हो भी गया राइट आपका सिक्योरिटी उसके बाद डिस्कनेक्ट करेंगे हम आईसी को रिमूव कर लेंगे हमारा यहां पर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है अब ये आईसी यूपीएस को हम फिक्स करेंगे फोन में और आपके सामने लाइव ऑन करके दिखाएंगे कि ये ऑन होगा या नहीं होगा एक बार देख सकते हैं तो सबसे पहले मैं इसको फिक्स कर देता हूं बोर्ड में जैसे कि यहाँ पर हमारी आईसी फिक्स हो गई है और एक बार थोड़ा सा बोर्ड को कूल होने देंगे उसके बाद चेक करेंगे हम फोन हमारा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो एक बार बोर्ड में फिक्स करके चेक करते हैं देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट लोगो आ चुका है और देखते हैं कि मेरा पूरा फोन ऑन होगा या नहीं होगा क्योंकि ये ऑन होते ही सीधा आपका फास्टबूट मोड में जा रहा था देख सकते हैं सेकंड लोगो आ चुका है एंड्रॉइड लिखकर आ गया है वेट करते हैं पूरा ऑन होने के बाद देखते हैं कि हमारा सिक्योरिटी इसमें आएगा या नहीं आएगा और ऑन होगा या नहीं होगा तो वेट करते थोड़ा सा तो जैसे कि देख सकते हैं हमारा यहाँ पर ENG में पूरा तरीके से ऑन हो गया है और एक बार सिक्योरिटी चेक कर लेते क्योंकि हमने इसका लून फाइल को रीड किया था तो लून फाइल हमने इसमें राइट किया तो एक बार देख लेंगे वो भी तो सिक्योरिटी भी हमारा इसमें आ चुका है आपको इसमें सिक्योरिटी रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इसमें सिक्योरिटी भी आ गया है अब हमारा काम यहां तक तो कंप्लीट हो चुका है ठीक है तो जैसा कि अभी यहां पर हमारा ये इंजीनियरिंग में ऑन हो गया अब हम इसे ग्लोबल फाइल से फ्लैश करेंगे अब आप इसको फास्टबूट मोड में फ्लैश कर सकते हो यूमटी से भी कर सकते हो क्योंकि ये यूमटी में जब हम फ्लैश कर रहे थे रो प्रोग्राम सेलेक्ट करके तब ये आपका रो प्रोग्राम 3 पे फेल हो जा रहा था तो हम यहां पर उससे फ्लैश नहीं करेंगे हम इसको फास्टबूट मोड से फ्लैश करके इसको ऑन करेंगे तो अभी चलो हम नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यूमटी की क्लास यूमटी वाले फाइल में तो हम यूमटी को हटा देंगे और यूमटी को हम सेलेक्ट करके फ्लैश करेंगे बार हमारा यहां पर क्यूसी फायर टूल ओपन कर लेंगे और यहां पर जैसे कि ये पूरा ऑन हो गया अब इसको फास्टबूट मोड में इसको मोड में लेके जाएंगे
और यूएमटी एफबी फ्लैशर से फ्लैश कर देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये बूट लोडर अनलॉक हो चुका है, देखो अगर आप डायरेक्टली ग्लोबल वर्जन राइट करके अगर आप फास्ट बूट मोड से फ्लैश करने की कोशिश करोगे तो फोन फ्लैश नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है आपका बूट लोडर लॉक रहता है तो आप फ्लैश नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका ईएनजी रोम डालकर अगर आप फ्लैश करोगे तो इंजीनियरिंग क्या करता है आपका बूट लोडर को अनलॉक कर देता है और आपको फास्ट बूट मोड से फ्लैश करने के लिए परमिशन दे देता है। तो चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं Xiaomi MP Flasher, यहाँ पर आ जाएंगे और हमारी जो 14 वर्जन की ग्लोबल फाइल है हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हमारी फाइल डेस्कटॉप पे है, उसके बाद Redmi Note 10 और देख सकते हैं ये ग्लोबल वाली फाइल सबसे एक नंबर पे है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से ओपन। तो यहाँ पर हमारी फाइल सारी आ चुकी है, बस आपको फ्लैश बटन पे क्लिक करना है और आपका फोन फ्लैश स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसको फास्ट बूट मोड में डालना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको कनेक्ट करके फ्लैश कर लेंगे। तो वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन, तो ये हमारा फास्ट बूट मोड में आ गया और सबसे पहले इसको हम कनेक्ट कर लेंगे, फ्लैश कर लेंगे। ठीक है, हमारा फोन यहां पर पोर्ट बना चुका है, सिंपली फ्लैश बटन पे क्लिक करेंगे और वेट करते हैं हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट होने का। तो देख सकते हैं हमारी फ्लैशिंग भी स्टार्ट हो गई है, एकदम इजी वर्क है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर आप ठीक से नॉलेज लेना चाहते हो तो इस तरह का काम आराम से कर सकोगे। तो देख सकते हैं हमारी ऑफलाइन फ्लैशिंग चल रही है फास्ट बूट मोड में, क्योंकि हमने इंजीनियरिंग ऑन किए थे और इसके बाद हमने ग्लोबल फाइल लेटेस्ट फाइल से फ्लैश किए। तो वेट करेंगे एक 5 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, इसके बाद हम फोन ऑन करके देखते हैं कि हमारा फोन ऑन होगा या नहीं होगा, एक बार वेट करेंगे थोड़ा सा। अगर फास्ट बूट मोड में जाना होता तो तुरंत चला जाता। तो देख सकते हैं सेकेंड लोगो आ चुका है, एंड्रॉइड यहां से हट गया, मतलब हमारा फोन जो कि ऑन हो रहा है, जो प्रॉब्लम आ रहा था फोन में फास्ट बूट मोड, ये उसका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया है। पूरा वीडियो हमने देखा है लाइव कि कैसे हमने इसको प्रोसेस किया है, कैसे हमने इसके अंदर इंजीनियरिंग राइट किया, कैसे UFS के पार्टीशन को क्रिएट किए थे और प्रोग्रामिंग किए थे UFS में। ये बहुत इजी ट्रिक में आपको मैंने बताया, इससे भी इजी हम आपको क्लास में दिखाएंगे। तो ज्वाइन करिए फोनफिक्स हैदराबाद और फोनफिक्स दिल्ली। तो हमारे दोनों नेक्स्ट बैच 10 अक्टूबर को दिल्ली का है और 27 अक्टूबर हैदराबाद का है। तो ज्वाइन करिए, इस लेवल का नॉलेज लेना है आपको तो फिर आपको फोन फिक्स कनेक्ट होना पड़ेगा। थोड़ा वेट करते हैं, फर्स्ट टाइम जो है कि बूट करने में टाइम लेता है, क्योंकि फ्लैशिंग जब हो रहा है नया फॉर्मेट होता है या फ्लैश होता है तो टाइमिंग लेता है थोड़ा बूट होने में, इसके लिए वेट करेंगे। आप इसको एक बार बैटरी निकाल के भी लगा सकते हो अगर आपको थोड़ा जल्दी बूट करना है तो इसके लिए, लेकिन हम वेट करेंगे यहाँ पर। तो
जैसे भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा फोन कंप्लीटली ऑन हो गया है, MIUI 14 पे आ गया है कि हमारा ये प्रॉब्लम जो था फास्टबूट मोड में जो डायरेक्टली जा रहा था और हम उसको फ्लैश भी नहीं कर पा रहे थे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व आपने पूरा लाइव देखा है स्टार्टिंग से लेके जो इन तक मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से हमने UFS निकाल के फ्लैश किए। ऑलरेडी इसके ऊपर किसी ने काम किया हुआ था, मार्केट में काम करके आया था जिसमें CPU रिवॉल्व किया हुआ, UFS रिवॉल्व किया हुआ था, हो सकता है फ्लैशिंग भी करा होगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि वो फास्टबूट मोड में ही चला जा रहा था। तो ये पूरी मैंने प्रोग्रामिंग आपके सामने लाइव करके दिखाया कि किस तरह से इसको ऑन कर सकते, किस तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते, और यही जो प्रोसेस होती है सिखाने वाली मार्केट में यही चीज का कम से कम 40,000 से 50,000 रुपए फीस लेते हैं सिखाने का, लेकिन फोनफिक्स हैदराबाद और फोनफिक्स दिल्ली आपके लिए लेकर आया है सिर्फ 25,000 रुपए में कोर्स, जिसमें आपको पूरा कोर्स 20 दिन का होगा, फ्लैशिंग UFS ट्रेनिंग MMC और हार्डवेयर का भी पूरा टोटल हैंड स्किल आपको डबल टिकर, मतलब टोटल 25,000 में आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं मिलेगा साथ में हैंड स्किल की नॉलेज, डायग्राम की नॉलेज और आपको पूरा UFS MMC की नॉलेज। तो ज्वाइन करिए फोनफिक्स हैदराबाद जो कि हमारा नेक्स्ट बैच आपको अक्टूबर में 10 अक्टूबर दिल्ली का है और 27 अक्टूबर हैदराबाद का है। तो ये सारे नॉलेज आपको सिर्फ 25,000 की फीस में मिल रही है 20 दिन के अंदर। तो देख सकते हैं पूरा मेरा ऑन हो रहा है, वेट करते हैं, स्किप कर लेंगे। तो हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा वेट करेंगे हमारा पूरा स्क्रीन ऑन होने तक। और ये प्रॉब्लम आप अपने पास काउंटर में अच्छे से बना सकते हैं, कभी भी अगर इस तरह से फॉल्ट आए या कोई भी UFS में अगर आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा तो आप इजीली प्रोग्राम कर सकते हो। सेम मैं अगर आपको मेथड सिखाऊंगा, इससे और भी इजी सिखाऊंगा अगर आप क्लास में अगर आपके मेरे सामने अगर बैठोगे तो ये क्लास में आपको और भी इजी बता दूंगा। तो वेट करेंगे ऑन होने तक, लोडिंग एप्लीकेशन हो रहा है। तो जैसे कि पूरा कंप्लीटली ऑन हो गया है फोन, देख सकते हैं हमारा फोन कंप्लीटली ऑन हो गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हमारे दूसरे भाइयों जैसे तक ये वीडियो पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।